हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके और जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, जो घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं उनका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल रूप जो होता है वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आप इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है क्या? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन। रंगहीन गैस होती है, भूरा ठोस होता है, या अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है, या लाल द्रव होता है। देखिए, ब्रोमीन जो है ये गहरे लाल रंग का एक तीक्ष्ण गंध वाला, तेज गंध वाला एक विषाक्त द्रव होता है और ये एक प्रकार का अधातु है। ठीक है, जो नॉर्मली जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये तीव्र ऑक्सीकारक तत्व होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक तत्व होते हैं। तो फिलहाल आपको याद कर लेना है ब्रोमीन क्या होती है। ये होती है लाल द्रव। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है कीटनाशक में और जो फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? तो जो वेल्डिंग में गैस प्रयोग होती है वो होती है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इस पर जो परत होती है वो किसकी होती है? ये होती है जस्ते की। ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए, जो स्टील या लोहा होता है उस पर जस्ता, जिसको हम लोग ZN यानी जिंक भी कहते हैं, इसकी परत जो है, इसकी लेयर चढ़ाई जाती है ताकि जो जंग ना लग जाए। ठीक है, रस्टिंग जो होता है उससे बचाने के लिए इस पर हम लोग स्टील या लोहे पर जस्ते यानी जिंक का एक लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और जो ये जस्ते को चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी होती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये होती है कितनी? 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम, ये होती है। और ये होता क्या, देखिए, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वो भाग, ठीक है, जिसके प्रति मानव नेत्र संवेदनशील होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसका तरंग दैर्ध्य मैंने आपको बताया इतना होता है। बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथ या सल्फोनेट। तो जो कपड़े साफ करने वाले होते हैं डिटर्जेंट वो होते हैं क्या? सल्फोनेट। ठीक है, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या होता है? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम या जस्ता। तो इसमें दो आंसर सही हो जाएगा, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है लोहा। देखिए, जो पसीने का प्रमुख अवयव होते हैं वो जल होने के कारण पसीने में घुल जाते हैं, पसीने के तत्व में घुल जाते हैं और वे जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और इसमें जो समानता क्या क्या होता है, खनिज होता है, यूरिया होते हैं और कुछ और अम्ल शामिल होते हैं, जिस अम्ल में क्या क्या होता है, पोटेशियम जिसका सिंबल के होता है, कैल्शियम जिसका सिंबल Ca होता है, सोडियम Na और मैग्नीशियम Mg और जिंक Zn और आयरन Fe। ठीक है, तो जिसमें हमारे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, लोहा और मैग्नीशियम। इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, लोहा और मैग्नीशियम, ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट,
निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो नीलत होता है एक प्रकार का लवण होता है जिसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। इसका आप लोग फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। ठीक है, कॉपर सल्फेट का ये होता है फॉर्मूला। और ठीक है, इसको हम लोग एक नाम और से जानते हैं, वो है क्यूप्रिक सल्फेट भी इसको कहा जाता है। ये रंगहीन होता है और परंतु जब जल अवस्था में होता है तो ये नीले रंग का होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। तो जो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस। आपको पता होगा, आसान प्रश्न है ये, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, ठोस तो पहले द्रव में परिवर्तन होता है, बट अगर ठोस का सॉलिड को सीधे हम लोग गैस में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पहला तो है ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबालना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा इस क्वेश्चन को। मानव तंत्र में इंसुलिन उपापचय करता है किसका, ये करता है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होता क्या है ये, देखिए मानव तंत्र में इंसुलिन का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म। और कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिला करके बनता है। किसमें, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं। चार ऑप्शन है, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासिटामोल या सल्फडाइजिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें एक से ज़्यादा आंसर है। आपको पता है कि एंटीबायोटिक वे औषधियाँ होती हैं जो जीवाणु जनित रोगों के उपचार में प्रयोग में लाई जाती हैं। पेनिसिलिन और सल्फडाइजिन ये एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं, ए और बी। ठीक है, पेनिसिलिन और जो सल्फडाइजिन ये एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। और एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम जो है वर्ष 1942 में किसने किया था, 1942 में ये एंटीबायोटिक शब्द की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, इसका सर्वप्रथम यूज़ किया था 1942 में सेलमैन वॉक्समैन ने। ठीक है, सेलमैन वॉक्समैन, फिलहाल आपको बस याद कर लेना है, इनसे पेनिसिलिन और सल्फडाइजिन ये होती हैं एंटीबायोटिक। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा आपको बताना है, चार ऑप्शन दिया है, गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो जो चावल होता है ये होता है कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ही हमें एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं जो किससे मिलकर के बने होते हैं, अभी आपसे मैंने पूछा था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इसमें तत्व जो मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के ही समान होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने 100 ग्राम आपने पक्के चावल जो होते हैं उसमें जो है टोटल लगभग 100 ग्राम चावल में 25.5 कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, तो भारी धातु है आपका प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम सबसे भारी धातु होती है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस होता है जिप्सम, डी इज आवर करेक्ट आंसर। कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं, तो ये होता है CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है
फॉर्मूला, ठीक है। और जिप्सम का क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, CaSO4 2H2O, जिप्सम का ये होता है। तो टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, ये है ऑप्शन डी, जिप्सम। प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्वि बंधन द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, एल्कीन, ठीक है, एल्कीन कहलाता है। प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, तो सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, ये होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है इसका। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये होता है CH3COOH, ठीक है। प्रश्न है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा, चार ऑप्शन है, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, कई बार पूछा गया, आसान है ये, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, सोडा, एक क्वेश्चन और है इसके बाद, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया, भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, चार ऑप्शन है, बेंगलुरु, जयपुर, इंदौर और दीव। इस अगर जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी देनी है कि वो किस स्टेट में है, उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ के CM कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।